हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडिटोरियल वीडियो। और आज का टॉपिक है केयरिंग फॉर द ओल्ड। व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन चूज़न फॉर द एडिटोरियल, बिकॉज रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया की जो एजड पॉपुलेशन है, एल्डरली जिन्हें हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेंड रहेगा, अ गुड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्डर, एंड इंडिया में सेम ट्रेंड जो है वो मिरर किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है केयर्स बोल सकते हैं, या हेल्थ केयर सिस्टम बोल सकते हैं, या अदर पॉलिसीज जो हम बोल सकते हैं, वो इतनी सारी एल्डरली पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए फिट बैठता है या नहीं, या वो पॉलिसीज हमारे पास है या नहीं, उस चीज को हम बोल सकते हैं एनालाइज करने के लिए ये टॉपिक दोबारा से न्यूज में था। एंड इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसीज टू इंश्योर एल्डरली लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी इन दिस कंट्री, इज बेसिकली द होल पॉइंट बिहाइंड दिस एडिटोरियल। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द की हाइलाइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है वो हम समझेंगे। देन वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन के साथ एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओल्ड एज होम्स का इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम्स ओल्ड एज होम्स में एल्डरली पीपल फेस करते हैं, एंड व्हाट चैलेंजेस डज एन एजिंग पॉपुलेशन पोज, वो भी हम समझने वाले हैं। जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट होता है, इनकम सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसे समझेंगे डिटेल में, और क्या गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम्स है या गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स ऐसी लॉन्च की है, पॉलिसीज क्या है टू हेल्प एल्डरली पीपल टू लिव अ लाइफ ऑफ dignity, we will discuss that, and we will also discuss what India needs to do with respect ye jo report ke jo bol sakte hain hum outcomes aaye hain uske hisab se India ko kya karna chahiye, way forward kya hoga iska, wo bhi hum is video mein discuss karenge. So let's begin the video with starting the key highlights of United Nations Population Funds India Aging Report 2023, jisne ye kaha hai ki jo population above 60 years wo double ho jayegi, 10.5% है जिसे हम बोल सकते हैं, 14.9 करोड़ है एज पर 2022 डेटा, लेकिन ऑलमोस्ट डबल होके ये 20.8% दैट इज 34.7 करोड़ हो सकती है बाय 2050। दैट मींस जो एल्डरली पॉपुलेशन है या एजड पॉपुलेशन है वो ड्रामेटिकली बढ़ेगी बाय 2050। ओके, सो यू कैन सी हियर 1951 से 61 तक देखिए, तो एल्डरली पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इन जनरल 21.6 था, एंड ऑल्डरली पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 23.9 पे वो लाई करते थे। और अगर हम 2021-2031 जो प्रोजेक्शन है वो हम बोल सकते हैं, जो जनरल पॉपुलेशन में परसेंटेज चेंज है वो 8.4% रहेगा, लेकिन एल्डरली में ये पॉपुलेशन में परसेंटेज चेंज 40.5 होने वाला है। एंड यू कैन सी 1951 से अभी तक 2021 तक अगर ट्रेंड देखते हैं आप, तो इन जनरल पॉपुलेशन विच इज मार्क्ड विद द ब्लू, उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो डिक्लाइन होता आया है 1961 के बाद, लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन में 1960 के बाद कभी घटा है कभी बढ़ा है, लेकिन 2011 के बाद अगर हम दौरान देखते हैं तो ये जो परसेंटेज चेंज है वो बढ़ता ही आ रहा है। नाउ वन इन द फाइव इंडिविजुअल आर सेट टू बी सीनियर सिटीजन, देयर विल बी इम्प्लिकेशन फॉर हेल्थ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जब ऐसा होगा कि वन आउट ऑफ एवरी फाइव इंडिविजुअल्स विल बी अ सीनियर सिटीजन इन आर कंट्री, तो बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमी सोसाइटी इन सब पे इंपैक्ट होंगे, क्योंकि हेल्थ बर्डन बढ़ेगा। एल्डरली के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं, उनको कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए जो है आप बोल सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी। इकोनॉमी की अगर बात करें तो एल्डरली जो होते हैं दे आर रिटायर्ड पीपल, दे आर नॉट अर्निंग इंडिविजुअली, सो इकोनॉमी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो होंगे एल्डरली होंगे आउट ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो इकोनॉमी भी इंपैक्ट करेगा एंड एज ए होल सोसाइटी पे भी इंपैक्ट करेगा। इफ वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट केरला एंड वेस्ट बंगाल, देर आर ग्रोइंग पॉपुलेशन फॉर एल्डरली हु लिव अलोन एज चिल्ड्रन माइग्रेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न कि एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है इज नॉट ओनली अ कंसर्न, बट दे लिव अलोन, सो दे डोंट, वी कैन से दे आर डिपेंडेंट ऑफ आर इनकम ऑन देयर चिल्ड्रन, बट they have nobody to take care of, so this is also a problem faced by elderly people. Life expectancy बढ़ रही है, क्या reasons हैं ये जो हमारा problem है कि elderly population इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और जो general population percentage rate है वो decline की तरफ है, क्योंकि देखिए आज के time पे जब medical facilities इतनी ज़्यादा अच्छी available है तो life expectancy जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि better ways are there, better treatments are available, तो disease fight करना आसान हो गया है आज के दौरान में। लेकिन फर्टिलिटी रेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे ये इंडिया भी एक है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है, दैट मींस द यंगर पीपल आर नॉट हेल्दी, सो द रिप्रोडक्शन रेट और द फर्टिलिटी रेट्स आर डिक्रीजिंग। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, न्यू बॉर्न्स का नंबर जो है एज कम्पेयर टू द एल्डरली पीपल
लेस होने की वजह से ये एक चैलेंजिंग बन जाएगा कि जो न्यू पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने की वजह से एल्डरली का नंबर बढ़ रहा है. सो वी कैन से देर इज अ चैलेंज, देर आर चैलेंजेस इन नर्चरिंग एंड एक्सपैंडिंग एल्डरली पॉपुलेशन. जैसे कि विद इन द माइक्रो फिनोमिना अगर बात करें, देर इज अ माइरिड अदर डेटा ऑफ इम्पॉर्टेंस. एंड फॉर इंस्टेंस वुमेन एल्डरली सिटीजन जो होते हैं वो मेल से ज्यादा हैं, दे आर आउट नंबरिंग देयर मेल काउंटर पार्ट. सो वी कैन से एल्डरली वुमेन आर मोर एज बिकॉज इसका एक रीजन ये भी है कि जो वुमेन है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, या हम बोल सकते हैं एज एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन. एंड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स अ पर्सन इन इंडिया में एक्सपेक्ट टू लिव अनदर 18.3 ईयर्स विच इज हायर इन केस ऑफ वुमेन, दैट इज 19 ईयर्स कम्पेयर टू मैन एट 17.5. That means इंडिया में आज के दौरान जो फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल हैं डिजीज फाइट करने के लिए, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बड़ी है वो 18.3 ईयर से बड़ी है. दैट मीन्स अ नॉर्मल पर्सन कैन लिव मोर ऑफ 18.3 ईयर्स नाउ. लेकिन मेन के केस में ये 17.5 है एंड वुमेन के केस में ये 19 ईयर्स है. सो इफ अ वुमन इन इंडिया वेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन लो that is around 24%, they do not have economic and social security, they will become more vulnerable in old age because they do not have work to do, they do not have income, they will be treated as a burden on their families. So social and economic and income security unke paas nahi hoti hai. So rather than living a life of dignity at an older age, they will be treated more like a burden. So that is a problem. सो देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट वेरिएशन. जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो साउथ में हैं जहाँ पे हायर शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन देखा गया है, जो कि नेशनल एवरेज जो 2021 में थी उससे ज्यादा था, और जो गैप है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वाइडन मोर बाय 2036. तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन पाई गई है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कम भी पाई गई है. नाउ वेल स्टेट्स विद हायर फर्टिलिटी रेट्स, जहाँ जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स ज्यादा हैं, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन का जो शेयर है वो बढ़ेगा. लेकिन जो डिफरेंस है बिटवीन द न्यू बॉर्न्स एंड द एल्डरली पॉपुलेशन वो इतना ज्यादा गैप देखने नहीं मिलेगा. ओके, सो द लेवल विल रिमेन लोअर देन द इंडियन एवरेज, क्योंकि फर्टिलिटी रेट और जो एल्डरली पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट है वो थोड़ा सा मैच करेगा एक दूसरे. सो ओवरऑल मोर देन 2/5 ऑफ द एल्डरली आर इन द पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटाइल, ranging from 5% in Punjab to 47% in Chandigarh. Also 18.7% of the elderly do not have any income. This is the major reason, क्योंकि उनके पास income नहीं है, फिर वो health facilities नहीं ले पाते हैं, रहने के लिए problem है, malnutrition etc. face करते हैं. So these are the problems with elderly. So high proportion of rural population जो है उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन रूरल पॉपुलेशन का एल्डरली में आता है जो कि जनरली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ही होता है. सो टू मीट दीज चैलेंजेस, जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी हो सकते हैं, बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर, इनकम सिक्योरिटी, सोशल केयर, एक होल ऑफ अ सोसाइटी अप्रोच रिक्वायर्ड है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जब हम बात कर रहे हैं, ताकि के मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ, बेसिक नीड्स जो फूड एंड शेल्टर की है इन सबको एड्रेस किया जा सके, इनकम सिक्योरिटी एल्डरली को प्रोवाइड की जा सके. सो एक होल ऑफ अ सोसाइटी अप्रोच की इंडिया को आज की डेट में जरूरत है इफ दे वांट टू टैकल द सिचुएशन व्हिच इज गोइंग टू कम अप इन द कंट्री बाय 2050. जेरियाट्रिक केयर मस्ट बी फाइन ट्यून टू देयर यूनिक हेल्थ केयर नीड्स ऑल्सो, एंड देर आर सेवरल स्कीम्स विच आर टारगेटिंग एल्डरली, बट मैनी ऑफ देम, दैट इज द मैनी ऑफ द एल्डरली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दीज स्कीम्स. एंड कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारा कंबर्सम प्रोसीजर होता है, बहुत सारे पेपर साइन करने होते हैं या फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं, उस वजह से भी एल्डरली इन स्कीम्स को जो अवेल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी भी अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो दिस वॉज ऑल विच वॉज स्टेटेड इन द रिपोर्ट कि कितना पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, क्या पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स बढ़ने से जो इंडिया फेस कर सकता है, इट वॉज ऑल गिवन इन दिस रिपोर्ट्स. Now the national policy on older person which was there in 1999 and maintenance of welfare of parents and senior citizen act 2007, it lays down that the care of elderly to ensure the senior citizens live in a dignity, public and private policy must provide a more supportive environment. ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एल्डरली को लेके कोई कानून नहीं है, है, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी लाइफ ऑफ डिग्निटी की अगर बात करें, पब्लिक एंड प्राइवेट पॉलिसीज कैसे एल्डरली को सपोर्ट करते हैं उसकी बात करें, तो और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. सपोर्टिव एंड हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो है एल्डरली पॉपुलेशन की टुवर्ड्स जनरेट करने की अभी भी बहुत ज्यादा इंडिया में जरूरत है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद एजिंग पॉपुलेशन. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इफ वी टॉक अबाउट इज एसोसिएटेड विद सोसाइटी.
इंडियन सोसाइटी जो है वो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रही है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन के प्रोसीजर्स बदल रहे हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे जो है चेंजेस देखे जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड अडेप्टेशन। दैट मीन्स पुराने जो हम बोल सकते हैं हमारा कल्चर है वो थोड़ा इरोड हो रहा है, लेकिन नई पॉलिसीज हैं, नई टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, इनको अडेप्ट ज्यादा लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंटरजनरेशनल टाइज हैं वो थोड़े से वीक होते जा रहे हैं, और ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो है वो इंडिया में अब थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि वो भी एज ही कर रहा है, एजिंग की तरफ ही बढ़ रहा है, और लोग ज्यादा प्रेफर उसको नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया है सिंपल फैमिली प्रोडक्शन यूनिट्स को बाय मास प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री यूनिट्स। सो दिस ऑल हैज चेंज्ड द सोसाइटी ऑफ इंडिया एज अ होल। जो पूरा इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा का, सो दिस इज द वन प्रॉब्लम एजिंग पॉपुलेशन इज फेसिंग, क्योंकि वो लोग ओल्ड ही लोग हैं, वो पुराने ही सेटअप में बड़े हुए हैं, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है उनका सिस्टम, जो सोशल सिस्टम है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देन नेग्लिजेंस बाय किड्स टुवर्ड्स देयर ओल्ड पेरेंट्स। देखिए, जो अदर प्रॉब्लम्स की बात अगर करते हैं तो उसमें आपका नेग्लिजेंस बाय किड्स आता है टुवर्ड्स देयर ओल्ड पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है, क्योंकि उन वो कुछ और कर नहीं सकते हैं, वो खुद अर्न नहीं कर सकते हैं, एंड दे नीड द हेल्प ऑफ देयर चिल्ड्रन टू डू डेली एक्टिविटीज ऑल्सो, सो दैट इज वाई kids tend to neglect their older parents. Then the second is disillusionment due to retirement. Then there is a feeling of powerlessness also, loneliness वो बहुत feel करते हैं, uselessness feel करते हैं, and isolation in elderly भी one of the problems है, generational gap is another problem. So these are all due to, because they don't have a source of income, okay? And then when you are not financially independent, you feel powerless, okay? Loneliness क्योंकि उनके kids उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, useless because they are not actually working in the sense of monetary value. And they generally face the isolation and isolated environment वो generally face करते हैं, और generational gap की वजह से बहुत ज़्यादा problems होते हैं, क्योंकि जो generational gap की वजह से, जैसे हमने देखा society change हो रही है, society के साथ साथ generational gap, जब दोनों चीज़ों को हम combine करके देखते हैं, तो एक lonely life we can say the elderly population is living at this point of time. Now the other problem associated is the financial problem. Retirement होने के बाद the elderly लोग जो होते हैं generally अपने children पे dependent होते हैं for their basic necessities, और सडन इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जैसे ट्रीटमेंट अगर किसी का कराना है, डिजीज वगैरह हो जाता है, तो इन केसेस में बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम आती है। एंड एट टाइम्स देयर आर सर्टेन फैमिलीज वेयर किड्स डू नॉट प्रेफर, कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जहां इंश्योरेंस फैसिलिटीज एक्सेट्रा नहीं है, तो वो उतना पे कर पाए, तो वो उन्हें बर्डन की तरह ट्रीट भी करते हैं। Now, migration of young working age persons from rural areas have negative impact on elderly, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो young people है in the, we can say in the search of employment, when they migrate, so it gives a bad impact on the parents. So they, in the end, what happens is they are living alone with only their spouse, usually poverty and distress को वो face करते हैं ऐसे situation में, insufficient housing facilities होती हैं उनके पास, क्योंकि finances प्रॉपर नहीं है, फाइनेंसिस प्रॉपर नहीं होने की वजह से हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है। नेशनल सर्वे कैरी आउट हुआ था बाय एनजीओ हेल्प एज इंडिया, उसने ये भी दर्शाया है कि 47% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज फॉर इनकम, एंड 34% ऐसे हैं जो पेंशन या कैश ट्रांसफर पर रिलाई करते हैं। हालांकि 40% ऐसे सर्वेड लोग थे जिन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो काम करना चाहते हैं जब तक पॉसिबल हो पाए, लेकिन स्टिल ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि ओल्ड एज के लोगों के लिए बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। नाउ अनदर प्रॉब्लम विच इज फेस्ड, और वी कैन से प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एजिंग पॉपुलेशन, इज हेल्थ प्रॉब्लम्स। जैसे जब एल्डरली जो लोग होते हैं जनरली दे फेस अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज, जैसे कि एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस हुआ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हुई, डेफनेस हुआ, ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट केसेस हैं जो इंडिया में हम ऑब्जर्व करते हैं। मेंटल इलनेस भी आज की डेट में बढ़ रही है, न्यूरोसिस होता है जो बढ़ रही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुअर मेंटल एबिलिटी है ओल्ड एज में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। न्यूरोसिस बेसिकली इज अ क्लास ऑफ फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें क्रॉनिक डिस्ट्रेस होता है, एंड नीदर डिल्यूजन नॉर हेलोसिनेशंस ऐसे कोई केसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रॉनिक डिस्ट्रेस होता है, विच इज वेरी प्रिवेलिंग इन आज की डेट में अगर देखें तो एल्डरली लोगों में।
और हमारे यहाँ पे केयर फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा नहीं है रूरल एरियाज में, तो उसकी वजह से भी एक हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के होने की वजह से हेल्थ सेक्टर में इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं एल्डरली के हिसाब से केयर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे 30 to 50% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन जो है दे हैड सिम्टम्स दैट मेक देम डिप्रेस्ड, दैट मीन्स दे फेस डिप्रेशन ऑल्सो। एंड लार्ज मेजोरिटी ऑफ एल्डरली पर्सन लिविंग अलोन आर वुमेन स्पेशली विडोज, तो उनके केसेस में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बच्चों के साथ वो रह नहीं पा रहे हैं, दे हैव मूव्ड आउट, फाइनेंशियल उनके पास एड नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है एंड हेल्थ प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा होते हैं। सो डिप्रेशन इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद पॉवर्टी, पुअर हेल्थ एंड लोनलीनेस। और ये जो तीनों चीजें हैं पॉवर्टी, पुअर हेल्थ एंड लोनलीनेस आज की डेट पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में वो फेस कर रही हैं। सो यू कैन सी जब एजड पॉपुलेशन इंडिया में और ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितना ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस टाइम तक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझाए हैं, इफ यू वांट टू गो थ्रू दीस पॉइंट्स अगेन सो आई हैव गिवन यू द डिस्क्रिप्शन आल्सो, यू कैन विजिट द पीडीएफ अगेन। नाउ लेट टॉक अबाउट द ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। आजकल हर कोई न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहना चाहता है, इसकी वजह से क्या होता है ओल्ड एज होम हम बोल सकते हैं उसी का रिजल्ट है। जैसे कि फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैमिलियल निग्लेक्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज, इन सब की वजह से क्या होता है बच्चे जो हैं माइग्रेट हो जाते हैं, बीट फॉर स्टडीज, बीट फॉर जॉब, एंड दे कैन नॉट, दे हैव द इनएबिलिटी टू कीप पेस विद देयर न्यू जनरेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से क्या होता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ रह नहीं पा रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं, दो रीजन आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है वो अपने पेरेंट्स को भेजते हैं ओल्ड एज होम्स की तरफ, ओके, सो दैट दे कैन लिव विद द पीपल हु आर लाइक देम। क्योंकि न्यू जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उन्हें अपनी तरह के लोगों के साथ रहना है जो यंग हैं, उनकी अलाइक थिंकिंग रखते हैं, तो अपने पेरेंट्स को वो ओल्ड एज होम में भेजना प्रेफर करते हैं ताकि कि वो अपनी एज के लोगों के साथ रहें, सो दैट दे फील कंफर्टेबल, जो कि बहुत हद तक सही नहीं होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए या सोसाइटी जैसे इंडिया की फंक्शन करती है उस हिसाब से पेरेंट्स भले ही पेरेंट्स हैव द नीड टू टॉक टू एल्डरली पीपल बट स्टिल दे वांट टू लिव विद देयर चिल्ड्रन। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा भी है कि दे डू वांट टू लिव विद देयर किड्स इफ दे अलाउ देम टू, तो ऐसा भी केस होता है। सो लेट्स मूव फर्दर। जो कई बार क्या होता है एल्डरली फील करते हैं कंफर्टेबल ओल्ड एज होम्स में बिकॉज वहां फ्रीडम है, फ्रेंडली एटमोसफेयर है, विद एल्डरली जो अदर लोग हैं उनके साथ वो फ्रेंड्स बन सकते हैं, उनको कंपनी मिलती है, वो अपना टाइम पास कर सकते हैं इंटरैक्ट करने के साथ एल्डरली लोगों के साथ, लेकिन स्टिल उनकी फैमिली के साथ जो डिटैचमेंट होती है उस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वी कैन से इमोशनली बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड ये हाँ बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हैं ओल्ड एज होम में, बट दे हैव सम अटैचमेंट फॉर देयर फैमिली ऑल्सो। लेकिन सर्टन केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लोग जो है अपनी फैमिली मेंबर से डिटैच फील करते हैं तो वो ओल्ड एज होम्स में रहना प्रेफर करते हैं। दोनों ही तरह की केसेस हैं, हाँ कुछ केसेस ज्यादा हैं, कुछ केसेस कम हैं। ओल्ड एज होम्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत गुड फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो फूड है वो बहुत अच्छा है, रहने के हालात बहुत अच्छे हैं, नहीं। सभी जो एल्डर्स होते हैं, नॉट ऑल द एल्डर्स आर टेकन केयर ऑफ वेल बाय द मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि सभी एल्डरली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। सम इंस्टीट्यूशंस आर देयर जो कि ओल्ड एज होम्स हैं एंड दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। जो फूड दिया जाता है वो लो क्वालिटी होता है, जनरली ऐसा रिपोर्ट किया गया है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, सफिशियंट नहीं है, बेडरूम्स एंड टॉयलेट्स जो है बहुत ही पुअरली मेंटेन होते हैं जिसकी वजह से हाइजीन इश्यूज भी बहुत होते हैं। मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली पेमेंट्स जो उनको आती हैं विच इज गिवन बाय द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स टू कीप देयर पेरेंट्स इन अ बोल सकते हैं हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इन अ गुड फैसिलिटी, वो फंड्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं और पेरेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, वो हेल्पलेस होते हैं, उनको उन्हीं एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। अब्यूज और मिसयूज के भी केसेस जो है ओल्ड एज होम्स में नोटिस किए गए हैं, बहुत कई बार ये केसेस लाइमलाइट में भी आए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां एल्डरली लोगों को हम बोल रहे हैं कि गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है ओल्ड एज होम में, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ फूड है, क्वालिटी ऑफ लिविंग है, इतना ज्यादा हाईली मेंटेन नहीं है और वी कैन से एवरेजली मेंटेन भी नहीं है
कि ओल्ड एज होम में हम अपने पेरेंट्स को या लोग अपने पेरेंट्स को बहुत आसानी से रख पाए. सो दिस इज वी कैन से द करंट स्टेटस ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट चैलेंजेस डज एन एजिंग पॉपुलेशन पोज. हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर पिक्चर में कि एज अ कंट्री एजिंग पॉपुलेशन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देखिए, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज. जैसे जैसे इंडिया में सीनियर पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास नहीं है तो उनका आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा. तो बोल सकते हैं कि ओवरऑल हम बात करें तो लोगों का बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग है वो जाने वाला हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए. डिक्रीज इनकम सिक्योरिटी. नाउ इंडिया की अगर बात करें तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो इंडिया में है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं आते हैं और सिर्फ 1% इंडिया के जीडीपी का ऐसा है जो पेंशन पे खर्च किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो अपनी नीड्स को मीट कर पाएंगे भी या नहीं. तो इनकम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम है इंडिया में और जब एल्डरली लोग बड़े हैं जो कि स्पेसिफिकली ये पेंशन जो होती हैं या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उन पर रिलाय करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज होगी. देन फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग. वन ऑफ द मेजर इशू ब्रॉट बाय द पॉपुलेशन एजिंग इज फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग और द फैक्ट दैट मोर वुमेन देन मेन आर लिविंग लॉन्गर. फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग से कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि वुमेन जो है वो ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन का पार्ट होंगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या हम वुमेन के हिसाब से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं या उन पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन में मेन भी होंगे. तो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज अनदर इशू. देन लैक ऑफ जेरियाट्रिक केयर. क्योंकि जब अर्बन रूरल गैप बढ़ेगा और टर्शरी हॉस्पिटल फैसिलिटीज, क्योंकि जैसे कि हमने बोला रूरल एरियाज एक्सेट्रा में तो अवेलेबल है ही नहीं, है भी तो बहुत अच्छे लेवल की नहीं अवेलेबल है, तो एल्डरली पीपल के लिए ये जो टर्शरी हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं इन्हें बढ़ाना पड़ेगा. सो वी कैन से इंडिया को ये गैप कम करने के लिए जीरियाट्रिक फैसिलिटीज जो है उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा और ज्यादा हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो कि एल्डरली पॉपुलेशन को बोल सकते हैं हम ट्रीट करने के लिए, हम बोल सकते हैं इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे होगा हमें जरूरत पड़ेगी. देन रिड्यूस क्वालिटी वर्कफोर्स. जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्वालिफाइड वर्कर्स की अगर बात कर रहे हैं हमें इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, या वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें तो क्वालिफाइड वर्कर्स की वैसे ही कमी है. ओके, वर्कर्स की कमी नहीं है बट क्वालिफाइड वर्कर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं. लेकिन जब नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन द वर्किंग एज वो कम हो जाएगा, जैसे कि हमने बोला कि जो यंगर पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज चेंज कम हो रहा है लेकिन एल्डरली का बढ़ रहा है, तो जो वर्किंग फोर्स होगा वो रिड्यूस होगा क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी. तो उस वजह से और ज्यादा क्वालिफाइड वर्कर्स का लैक फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो क्वालिटी वर्कफोर्स है जो कि बहुत अच्छे से काम कर सकती है उसकी कमी हमें फेस करनी पड़ सकती है. नाउ इंक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो. जब हम बोल रहे हैं कि एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, पेंशन बेनिफिट्स बढ़ेंगे, अदर पब्लिसिटी पब्लिकली सपोर्टेड सर्विसेज जो है उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इंडिया का जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ एल्डर पॉपुलेशन है वो रिलाय करेगा स्मॉल लेबर पूल्स टू रेज टैक्सेस के ऊपर. जो क्योंकि ये जो सारी हम बोल सकते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है या पेंशन स्कीम्स एक्सेट्रा रन कैसे करती है, टैक्स पेयर की मनी पे रन करती है, और हम बोल रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन कम होगा जब ये एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो स्मॉल रेज ऑफ जो टैक्सेस है उन्हीं से हमें ये सारी स्कीम जो है उन्हें फंड करनी पड़ेगी. लेकिन जैसे कि हमने बात करी कि अभी भी आज की डेट में सिर्फ 1% ऑफ जो जीडीपी जो है एल्डरली पॉपुलेशन की रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में दिया जाता है, और आज की डेट में हमें ये नंबर बढ़ाना है लेकिन टैक्सेस कम होते दिखेंगे, तो वो भी एक हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम रेज करेगा एज अ कंट्री में, हमें एज अ इंडिया हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई द एल्डरली पॉपुलेशन इन अ सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट. देखिए, ऐसा नहीं है कि एल्डरली पॉपुलेशन सिर्फ बर्डन की तरह देखी जाएगी. नहीं, एल्डरली पीपल जो होते हैं उनके पास इमेंस एक्सपीरियंस होता है, बी इट पर्सनल बी इट प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस हो या सोसाइटी का एक्सपीरियंस हो, एंड उसको चैनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उस एक्सपीरियंस को हम आज की डेट पे यूज नहीं कर रहे हैं, हमें एक ऐसे पॉलिसी की जरूरत है या बोल सकते हैं ऐसे एक मेथड की जरूरत है जहां इन एक्सपीरियंसिस को हम यूज कर सके सो दैट एल्डरली पॉपुलेशन का कोई मॉनिटरी बेनिफिट हो पाए और हम उसको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर पाए. सो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसिस. दे कैन प्रोवाइड वाइटल जनरेशनल लिंक फॉर अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो. It provides support, stability to families and society at large. So they are not, we can say they are not so unimportant, but yes, they are important in the society. Grandparents जो होते हैं joint families में वो crucial link की तरह काम करते हैं because they transfer values, morals, and they are very very important to build a, we can say a moral society, a valuable society. So जो younger generation है जिन्हें grandparents से values मिलते हैं अपने initial years में, so
दिस एल्डरली पॉपुलेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ बेटर ह्यूमन बींग्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. सो दे हैव अ वेरी गुड रोल, जो हम बोल सकते हैं अपब्रिंगिंग के टाइम पे हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ डीप कल्चरल इंप्रेशंस जो हैं, सोसाइटल या सोशल एक्सपीरियंसेस जो हैं जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन के पास हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे प्रोवाइड द नेसेसरी बफर अगेंस्ट द इंटॉलरेंस, वॉयलेंस, हेट क्राइम्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी स्पेशली इन द एयर ऑफ हेट एंड क्राइम्स. एंड आज की डेट में तो ये बफर की बहुत ज़्यादा जरूरत है जहाँ इंटॉलरेंस हम पीक पे देख रहे हैं, हेट एंड क्राइम पीक पे देख रहे हैं. So we can say they play a significant role in easing out societal tensions both within and outside families through their insight and understanding and their experiences. So we cannot say ki elderly population important nahi hai. Elderly population is important but they own their ways. Now let's talk about elderly related schemes. First is Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. Basically ek pension scheme hai, government of India ne announce ki thi. Ye senior citizens ke liye hai jo ki 60 years ya above age ke hai. ये जो स्कीम है अब 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है, दैट इज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बियॉन्ड 2020. पहले ये सिर्फ 2020 तक लागू की गई थी. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, आईपीओपी. बेसिकली बोल सकते हैं आईपीओपी का मेन जो गोल है इस पॉलिसी का इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन्स. एंड ये कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग देम विद वेरियस बेसिक अम्यूनिटीज. बेसिक अम्यूनिटीज में क्या आता है? फूड हुआ, शेल्टर हुआ, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज हुई, ये सब सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की ये स्कीम बात करती है. देन राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एक ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंडेड है, जो कि फंड आता है आपका सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड से. एंड दिस फंड वाज नोटिफाइड इन 2016 एंड ऑल अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम स्मॉल सेविंग अमाउंट्स, पीपीएफ, ईपीएफ, ये सब ट्रांसफर किया जाता है इस फंड में. दैट मींस जो भी फंड या बैंक अकाउंट्स में जो भी अमाउंट अनक्लेम्ड होता है वो सब इस फंड में ट्रांसफर किया जाता है और फिर इस फंड को सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है. So aim is to provide aids, assistive living devices to senior citizens जो कि below poverty line live कर रहे हैं and they suffer from age related disabilities जैसे low vision है तो उनको जो भी aids चाहिए वो provide करेंगे. Hearing impairment है तो hearing aids etc. provide करेंगे. Loss of teeth, locomotor disabilities हैं तो उनको जो भी devices चाहिए, assistive living devices, ये scheme वो provide करवाती है. Then आता है संपन्न प्रोजेक्ट. ये 2018 में लॉन्च किया गया था. इट इज अ सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनियर्स. एंड ये डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन करवाता है अकाउंट होल्डर में, जैसे कि पेंशनियर जो है उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन जा सकती है. देन आता है सीक्रेट पोर्टल फॉर एल्डरली. जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था. एंड जो सिटीजन्स है जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है वहां रजिस्टर कर सकते हैं, वहां जॉब्स ढूंढ सकते हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ढूंढ सकते. एल्डर लाइन या टोल फ्री नंबर फॉर एल्डरली. बेसिकली ये जो है इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट, पर्टिकुलरली ऑन पेंशन की अगर बात करें या मेडिकल सर्विसेज की बात करें, लीगल इश्यूज की बात करें, उन पे असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करवाता है. एंड इट इज अ डिवाइस टू प्रोवाइड ऑल सीनियर सिटीजन्स और देयर वेल विशर्स विद वन प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी कनेक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन एंड कंसर्न्स आप शेयर कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और गाइड आपको प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा. एंड दिस इज अवेलेबल ऑन डे टू डे बेसिस आल्सो. देन सेज, विच इज अ सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव. इट इज वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स एंड इट हैज बीन लॉन्च विद अ व्यू टू हेल्प सच पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग services for elderly care. So these are, we can say, the schemes and the projects going on in the country related to elderly people in India. Now let's talk about the way forward. What actually India needs to do to tackle this problem of aging population. So first is protection from destitution. So basically the first step should be towards dignified life for elderly is to protect them from destitution and all the deprivations that come with it. So cash in the form of pension can help to cope with many health issues and avoid loneliness as well. That is why old age pension jo hai wo ek vital part ho jata hai social security system ka around the world and particularly in India. Then emulating the front runners, that is jo southern states hain and India ki poorer states hain jaise Odisha, Rajasthan, they have achieved near universal social security pensions. Okay. So ab jab ye states achieve kar sakti hain to iska matlab hai their actions are worth emulating. So it would be much easier for all the states to do the same if the central government were to revamp the NSAP.
दैट मीन्स अगर ये स्टेट्स कर सकती हैं तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी कर सकती हैं. नेक्स्ट इज फोकस ऑन रिवैम्पिंग पेंशन स्कीम्स. ये बहुत क्रूशल एरिया या क्रिटिकल एरिया हम बोल सकते हैं. रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है सोशल सिक्योरिटी पेंशन में, क्योंकि जो सपोर्ट एंड फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, डिसेबिलिटी एड हुआ, असिस्टेंस विद डेली टास्क हुआ, रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज हुआ, गुड सोशल लाइफ हुआ, इन सब को बेटर बनाने के लिए पेंशन स्कीम्स को बेटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. देन ट्रांसपेरेंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. एक बहुत बेटर अप्रोच रहेगा अगर कंसिडर किया जाए सारे विडोज एंड एल्डरली और डिसेबल्ड पर्सन को एज एलिजिबल सब्जेक्ट टू द सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. एंड एलिजिबिलिटी कैन इवन बी सेल्फ डिक्लेयर विद द बर्डन ऑफ टाइम बाउंड वेरिफिकेशन बीइंग प्लेस्ड ऑन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम पंचायत. Even although there are chances of privileged household taking the advantage, उसको भी rule out किया जा सकता है, क्योंकि आप उसकी verification कर सकते हो कि उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है. And it is much preferable to accommodate some inclusion errors than to perpetuate the massive exclusion errors as in the case of today. क्योंकि कुछ गलत लोगों के false information के डर से हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोगों को benefit ना दिया जाए. Now the state of homes for the elderly. जैसे कि हमने बात करी कि जो हाउस फैसिलिटीज है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जहाँ एजेड लोग रहते हैं. सो एक फॉर्मल पाथवे की जरूरत है जो कि बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस को फॉलो करे, ताकि जो होम्स या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां पे क्या क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, किस लेवल की उन्हें बोल सकते हैं एल्डरली को फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं, उस पर चेक होना चाहिए. इस स्क्रीनिंग में आप बोल सकते हैं जैसे कि अगर हेल्थ रिलेटेड स्क्रीनिंग हो रहे हैं तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, पीरियोडिक विजन, हियरिंग स्क्रीनिंग, अ सिंपल क्वेश्चनेयर टू असेस मेंटल हेल्थ, क्या ये इंक्लूड किया गया है नहीं, चेक कर सकते हैं. Interventions are inexpensive and could go a long way in identifying health issues and offering support. And similarly, ऐसे pathways की बनाने की भी जरूरत है जो health issues को address करे, जो operating procedures जो हैं, standard operating procedures जो हैं, उनको अच्छे से follow किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस पर check रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है. There is an urgent need to understand the quality of life at such institutions जहाँ लोग रहते हैं, कि कैसा उनके ऊपर mental health पे क्या impact होता है, वहाँ के residents का, उनको food कैसा मिलता है, civic amenities कैसी हैं, basic फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, इन सब चीजों पे चेक रखना जरूरी है. उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने बहुत जरूरी है. देन डिजाइन आर्किटेक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इनोवेशन आज के टाइम पे हो रही हैं, इतने इनोवेटिव वर्ल्ड में डिजाइन आर्किटेक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए जो एल्डरली को सपोर्ट करें और सभी एल्डरली के लिए अवेलेबल हो. ऐसे नहीं हो कि नॉट जस्ट फॉर दोज लिविंग इन एक्सपेंसिव वंस, उनके लिए फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, जबकि एल्डरली जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए भी फैसिलिटीज होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे. देन होम्स फॉर एल्डरली की अगर बात करते हैं, दे मस्ट बी गाइडेड अगेन बाय द पॉलिसी. व्हाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ जो फैसिलिटीज होती हैं, बिल्डिंग्स ऐसे डिजाइन की जानी चाहिए जो एल्डरली फ्रेंडली हो, डिसेबल्ड फ्रेंडली हो. एनवायरमेंट जो सोशल एनवायरमेंट होता है वो एल्डरली एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम्स बनाने देने से जहाँ एल्डरली रह सकते हैं ये जो गैप है वो कम हो जाएगा, नहीं, वो elderly and disabled friendly भी होना चाहिए, so that people feel that they belong there. ऐसे नहीं होना चाहिए just for the sake of it we cannot do it. So in this editorial we have understood that how the aging population is going to pose a threat to the economy and a country as a whole. What are the problems faced by the elderly population? What are the schemes currently running in the country for the elderly population? And what basically India needs to do to tackle the situation currently India is in? So this video I hope helps you understand the entire issue and the report key highlights also. So this is it for this editorial video. Thank you.